Good morning, everyone. Continuing with the next topic of our chapter. Next जो हमारा topic है, that is difficulties in credit control. सबसे पहली जो difficulty है, that is various forms of credit जो हैं, वो exist करते हैं economy में. Central bank जो control कर सकता है, वो सिर्फ control कर सकता है bank credit को. लेकिन credit various types के होते हैं. Bank credit हो गया, एकोमोडेशन बिल्स के थ्रू क्रेडिट जनरेट हो सकता है, ट्रेड क्रेडिट हो सकता है. जो क्रेडिट है अदर देन दी बैंक क्रेडिट, उनका भी इफेक्ट इकोनॉमी पे होता है. बट जो सेंट्रल बैंक है वो अदर काइंड्स ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल नहीं कर सकता. दूसरा है लैक ऑफ कंट्रोल ओवर ऑल बैंक्स. जो सेंट्रल बैंक है वो सक्सीड नहीं हुआ है इन कंट्रोलिंग ऑल बैंक्स. जैसे अगर हम एग्जांपल इंडिया में लें तो इंडिजीनियस जो बैंकर्स हैं वो सेंट्रल बैंक से कनेक्टेड ही नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर उसका कुछ कंट्रोल ही नहीं है. तो मोस्ट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जहाँ पे जो बैंकिंग सिस्टम है वो एडिक्यूएटली डेवलप्ड नहीं है या तो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है. तो जो बैंक्स हैं वो कोऑपरेट भी नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि उनके क्लोज रिलेशनशिप नहीं होते हैं सेंट्रल बैंक के साथ भी. तो जो इम्पैक्ट है मॉरल पर्सुएशन का वो भी कम होता है, क्योंकि अंडर डेवलप्ड बैंकिंग सिस्टम है. नेक्स्ट जो है दैट इज लीकेज. अगर जो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस है उसमें लीकेजेस हो जाए तो जो प्रोसेस है आपका क्रेडिट क्रिएशन का वो हिंडर होता है. जैसे अगर हमने पहले भी जो हमारा लास्ट लेक्चर था चैप्टर नंबर 9 में, उसमें हमने बात की थी क्रेडिट क्रिएशन के चैप्टर में कि अगर जो बॉरोअर है वो चेक के थ्रू ना काम करके कैश निकलवा लेता है तो जो आपका क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस है वो पूरा रुक जाता है. नेक्स्ट इज योर कंडीशंस ऑफ मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. जो पॉलिसीज है सेंट्रल बैंक की उनका लिटल इफेक्ट होता है ऑन द मनी एंड कैपिटल मार्केट कई कंट्रीज में. तो कई बार जो सेंट्रल बैंक होता है वो अपनी पॉलिसीज जो एडजस्ट करता है वो जो कंडीशंस है मनी मार्केट की उसको कंसीडर करके वो एडजस्ट करता है. और इंडिया में मनी मार्केट स्टिल अंडर डेवलप्ड है, तो जो सक्सेस है ओपन मार्केट ऑपरेशंस की क्रेडिट कंट्रोल में के जो मेथड्स हैं वो अगर आपने इम्प्लीमेंट करनी है तो मनी मार्केट आपकी वेल डेवलप्ड होनी चाहिए. नेक्स्ट इज लैक ऑफ ट्रेडिशन. बैंकिंग ट्रेडिशंस अगर हम ब्रिटेन में कहें तो वो ऐसे हैं कि जो सेंट्रल बैंक है उसे सिर्फ हिंट करना है कि क्रेडिट पॉलिसी क्या है और सारे बैंक्स उसको कैरी आउट कर देते हैं. लेकिन मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज में जो बैंकिंग ट्रेडिशंस है वो प्रिवेल नहीं करते और वहाँ पे क्रेडिट कंट्रोल डिफिकल्ट होता है उन कंट्रीज में. नेक्स्ट इज नॉन बैंकिंग एलिमेंट्स इन दी मनी मार्केट. कई बार जो नॉन बैंकिंग एलिमेंट्स हैं जैसे टू मच ऑप्टिसिज्म हो गई या टू मच पेसिज्म प्रिवेल कर रही है बिजनेस कम्युनिटी में, बहुत ज़्यादा या तो वो उत्साहित हैं या बहुत ज़्यादा निराश हैं, तो उस सर्कमस्टांसिस में जो क्रेडिट पॉलिसी है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती. जो ऑप्टिमिज्म की कंडीशन है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्रीज होती हैं जिससे ज़्यादा डिमांड होता है क्रेडिट के लिए, और इन कंडीशन ऑफ पेसिमिज्म जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो डिक्रीज होती हैं और जिसकी वजह से डिक्रीज होता है डिमांड में फॉर क्रेडिट. और ये जो सर्कमस्टांसिस हैं ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म के, तो जो क्रेडिट कंट्रोल के मेजर्स हैं आरबीआई के उस सिचुएशंस में वो इफेक्टिव नहीं होते हैं. नेक्स्ट इज योर लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. हर एक कंट्री में कुछ नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ऑपरेट करते हैं जिनका कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस होता है ओवर द क्रेडिट एंड क्रेडिट क्रिएशन एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री. बट जो सेंट्रल बैंक है उनका इन्फ्लुएंस उनके ऊपर नहीं होता. नेक्स्ट इज योर लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द फाइनल यूज ऑफ द क्रेडिट. सेंट्रल बैंक का कोई कंट्रोल नहीं होता ऑन द अल्टीमेट यूज ऑफ क्रेडिट. जैसे सेंट्रल बैंक ने रिस्ट्रिक्शंस तो लगा दी कि स्पेकुलेशन के लिए आप लोन नहीं दोगे, और लोन जो है आपने अगर ट्रेड पर्पसेस के लिए भी दिया है तो उसे आप स्पेकुलेट ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ कर रहे हो अगर, तो उसमें बैंक कुछ नहीं कर सकता है. नेक्स्ट इज योर लैक ऑफ सिक्योरिटीज. जो बैंक्स है वो क्रेडिट क्रिएट नहीं कर सकता अगर जो आपकी बॉरोअर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहा है वो अच्छी नहीं है. तो अगर सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करना चाहता है एक्सपेंशनरी क्रेडिट पॉलिसी, इंक्रीज करना चाहता है क्रेडिट सप्लाई को इकोनॉमी में, तो
जो लोग हैं जो बोरो करना चाहते हैं, अगर वो एडिक्वेट सिक्योरिटीज ऑफर नहीं कर सकते, तो जो बैंक्स हैं वो प्राइमरी डिपॉजिट्स से क्रेडिट क्रिएट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज योर लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। लोन्स किस लिए लिया जाता है? लोन्स तब लिए जाते हैं अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो। ड्यूरिंग रिसेशन इन द इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट अच्छा नहीं होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में लोग लोन नहीं लेते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो अगर बैंक, सेंट्रल बैंक सोच भी रहा है कि वो एक्सपेंशनरी क्रेडिट पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहता है, तो क्रेडिट क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो कम करेगा, कम काम करेगा ड्यू टू अनफेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज पुअर बैंकिंग हैबिट। ये हम ऑलरेडी हमने पहले भी बात की कि जब आप क्रेडिट क्रिएट करते हो तो अगर पुअर बैंकिंग हैबिट्स हैं लोगों की, वो कैश को अपने पास रखते हैं, चेक्स में डील नहीं करते हैं, तो आप क्रेडिट को एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज लैक ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज। बैंकिंग फैसिलिटीज स्टिल कई रूरल एरियाज, रिमोट एरियाज में अवेलेबल नहीं है, तो जो आरबीआई है वो कंट्रोल नहीं कर सकती है, रेगुलेट नहीं कर सकती है क्रेडिट को उन एरियाज में जहाँ पे इंडिजीनियस बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं जैसे, तो वो आरबीआई के कंट्रोल से बाहर है। नेक्स्ट इज परवेसिव पॉलिसी। कुछ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्रेडिट कंट्रोल के, जैसे मॉरल परसुएशन हो गया, ज़्यादा लोन्स आप प्रायोरिटी सेक्टर को दे रहे दो, या फिर ज़्यादा लोन आप वीकर सेक्शन को दो, ये जस्ट परसुएसिव है, कंपल्सिव नहीं है, नेचर में कंपल्सरी नहीं है। बैंक इन मेजर्स को, ये जो सजेशंस हैं उनको सीरियसली कंसिडर नहीं करता, और बैंक कॉम्परेट नहीं करता है आरबीआई को इन इम्प्लीमेंटिंग क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो जो बैंक की, सेंट्रल बैंक की एबिलिटी है कंट्रोल करने की वॉल्यूम ऑफ मनी को कंट्री में, वो कुछ लिमिट्स तक ही है, और ये जो लिमिट्स हैं वो इलास्टिक हैं, ब्रॉड हैं, इंक्रीज होती हैं। तो ओवर द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मनी किसी भी कंट्री में जो कंट्रोल है, स्टैंडर्ड जो आपका सेंट्रल बैंक है उसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ मनी पर ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो इसके साथ ये जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर जो है कमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया, हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।